नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज हम लोग डायोड के बारे में बात करते हैं। डायोड क्या होता है, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, या कहाँ यूज होता है, या SMD में कैसा दिखता है, नॉर्मल में कैसा दिखता है, और या क्यों यूज होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, सर्किट में कैसा दिखता है, इस प्रकार या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में कैसा है, इसका जो डिनोटिंग लेटर होता है वो क्या होता है, उसके बारे में जानते हैं। पहले थोड़ा थ्योरेटिकल देख लेते हैं, उसके बाद में तो प्रैक्टिकल देखेंगे, ऑन बोर्ड देखेंगे। डायोड को डी से डिनोट किया जाता है, इसका डिनोटिंग लेटर जो होता है DPD ZD या Z होता है। यह जनरली दो प्रकार का होता है, रेक्टिफायर डायोड, जेनर डायोड। रेक्टिफायर डायोड में बहुत सारा डायोड है, जैसे गन डायोड, शॉटकी डायोड, LED डायोड, फोटो डायोड होता है, टनल डायोड होता है। इसका जो सर्किट में इस तरह का दिखेगा, इसका सर्किट सिंबल इस तरह का होगा, ऐसा इस तरह। और यहाँ पे ये जो जेनर डायोड है उसका जो सर्किट सिंबल ऐसा होता है, जेड का सिंबल होता है इसके। और इसका जो दो पॉइंट होता है, दो लेग होता है इसका, एक को कैथोड बोलते हैं, इधर वाले को कैथोड बोलते हैं, इसको एनोड बोलते हैं। एनोड मतलब पॉजिटिव होता है, कैथोड मतलब निगेटिव होता है। और ये जो जेनर डायोड है वो सर्किट में पैरालेल में लगा होता है, और जो रेक्टिफायर डायोड है वो सर्किट में सीरीज में लगता है। तो पैरालेल और सीरीज क्या होता है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक लाइन है, ये प्लस लाइन और ये निगेटिव लाइन है, माइनस है, प्लस और माइनस है, एक सर्किट है। इसमें प्लस वाले सर्किट में, प्लस वाले लाइन में एक डायोड लगाते हैं, तो ये रेक्टिफायर डायोड लगेगा। और ये इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। फॉरवर्ड बायस का मतलब, ये क्या का मतलब हुआ कि यहाँ पर देखिए, ये जो इसका जो एनोड सिरा है, मतलब पॉजिटिव सिरा है बैटरी का या सोर्स का, इसका पॉजिटिव पॉइंट इसमें कनेक्ट करेंगे और नेगेटिव पॉइंट ग्राउंड वाला इसमें कनेक्ट करेंगे, तो इससे करंट पास होगा। तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया, इसको फॉरवर्ड बायस बोलते हैं। और ये जो जो दो लाइन है इसमें, अगर ये जो प्लस वाले लाइन में अगर डायोड का यूज करेंगे, मतलब ये डायोड का जो दोनों सिरा होगा, कैथोड और एनोड, प्लस वाले लाइन में ही कनेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ है, दोनों एक ही लाइन में कनेक्ट है। ये प्लस लाइन है, ये प्लस इसका पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है डायोड का, तो एक ही लाइन में, प्लस वाले लाइन में ही कनेक्ट है। तो इस प्रकार के कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। लेकिन अगर ये जो जीनर डायोड है वो हमेशा जनरली वो पैरालेल में लगता है, तो पैरालेल का मतलब हुआ कि जो भी जो डायोड है उसका दोनों सिरा अलग अलग लाइन में कनेक्ट होगा। एक सिरा माइनस वाले लाइन में कनेक्ट होगा और एक सिरा प्लस वाले लाइन में कनेक्ट होगा। मतलब कि डायोड का या किसी भी कंपोनेंट का अगर दोनों सिरा अलग अलग लाइन में कनेक्ट है, एक एक सिरा एक वाला जो पॉइंट है उसका एक प्लस वाले लाइन में कनेक्ट है, और दूसरा उसका जो पॉइंट है, दूसरा वाला जो उसका प्रोब है, उसका जो लेग है वो माइनस वाले लाइन में कनेक्ट होगा। मतलब कि दोनों सिरा, एक सिरा प्लस लाइन में और दूसरा माइनस लाइन में जो उसका पॉइंट कनेक्ट होगा, तो उसको पैरालेल कनेक्शन बोला जाता है, पैरालेल कनेक्शन बोला जाता है। ये सीरीज है और ये पैरालेल कनेक्शन है। तो जेनर डायोड नॉर्मली पैरालेल कनेक्शन होता है, और रेक्टिफायर डायोड जो होता है वो सीरीज में कनेक्ट होता है, कहीं कहीं पैरालेल में भी कनेक्ट होता है। लेकिन ये जो जेनर डायोड है वो 99% पैरालेल में ही कनेक्ट होता है, लेकिन रेक्टिफायर डायोड है वो सीरीज और पैरालेल दोनों में यूज होता है। दूसरा है कि जो रेक्टिफायर डायोड है या जो है या रेगुलेटर के रूप में भी यूज होता है, जेनर डायोड भी रेगुलेटर के रूप में यूज होता है। और ये जो रेक्टिफायर डायोड है वो एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करता है, एसी करंट को डीसी करंट में फिल्टर करता है, इसलिए एसी को डीसी में चेंज करने के लिए भी इसका यूज होता है। जो डायोड होता है, जेनर डायोड का जो क्षमता होता है वो वोल्ट होता है, इसको वोल्ट में मापते हैं, और इसका जो क्षमता होता है वाट होता है। और जो रेक्टिफायर डायोड है, जो रेक्टिफायर डायोड है उसका जो क्षमता होता है वो एम्पियर होता है। तो यहाँ पे देखिए, एक सर्किट बनाया हुआ है, जेनर डायोड का जो यूज है उसको दिखलाया हुआ है। ये 8 वोल्ट सोर्स, 8 वोल्ट का सोर्स है, यहाँ से 8 वोल्ट आ रहा है, बैटरी है या कोई दूसरा कोई भी सोर्स है, यहाँ से 8 वोल्ट आ रहा है, और एक IC है जिसको 5 वोल्ट चाहिए। तो यहाँ से 8 वोल्ट आएगा और इस IC को 5 वोल्ट चाहिए, तो उसके लिए एक जीना डायोड लगा दिया गया है। ये 5 वोल्ट तक आगे जाने देगा, 5 वोल्ट से जो भी एक्स्ट्रा वोल्ट होगा उसको ग्राउंड कर देगा, माइनस में भेज देगा। तो यहाँ से जो 5 वोल्ट आ रहा है वो 3 वोल्ट को ग्राउंड कर देगा, और
5 वोल्ट यहाँ पे आईसी को मिल जाएगा। अगर यहाँ से 10 वोल्ट आएगा तो यहाँ से 5 वोल्ट ग्राउंड हो जाएगा और 5 वोल्ट आईसी को चला जाएगा। और यहाँ से 12 वोल्ट आएगा सोर्स से या बैटरी से, तो यहाँ पे अगर 12 वोल्ट आएगा तो 7 वोल्ट को ये ग्राउंड करेगा और 5 वोल्ट को आगे यहाँ पे आईसी को देगा। इस तरह 5 वोल्ट को ये कम रेगुलेट करके रखता है, जो आगे के लिए मतलब 5 वोल्ट को रोक के रखता है और 6 वोल्ट को ये ग्राउंड कर देता है। और ये हमेशा पैरेलल में लगा रहता है। पैरेलल का मतलब हुआ इसका जो एक भाग है वो माइनस में कनेक्ट है, एक वाला जो इसका एक लेग माइनस में है, दूसरा वाला लेग इसका प्लस में लगा हुआ है। मतलब डायोड का जो दो सिरा होता है, दो पॉइंट होता है, दो लेग होता है, तो एक लेग को कैथोड बोलते हैं, दूसरे को एनोड बोलते हैं। तो इसका जो कनेक्शन, इसका जो लेग, एक लेग प्लस वाले लाइन में है, दूसरा लेग माइनस वाले लाइन में है। इस तरह के कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोला जाता है। अगर इसी का दोनों सिरा प्लस वाले लाइन में कनेक्ट होगा, मतलब इसका दोनों लेग अगर प्लस वाले लाइन में कनेक्ट होगा या दोनों लेग इसका माइनस वाले लाइन में कनेक्ट होगा अगर, तो इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है। इस तरह इसका यूज होता है पैरेलल में और सीरीज में। ये जो जीना डायोड है ये हमेशा पैरेलल में और रिवर्स बायस में वर्क करता है। रिवर्स बायस मतलब ये जो प्लस वाला जो लाइन है इसमें जीना डायोड का माइनस वाला लेग कनेक्ट है, और ये जो माइनस वाला लाइन है सोर्स का इसमें जीना डायोड का प्लस वाला जो एनोड है वो कनेक्ट है। मतलब ये उल्टा कनेक्ट होता है, रिवर्स कनेक्शन होता है इसका, इसलिए ये पैरेलल में लगता है और रिवर्स बायस में लगता है। तो यह जेनर डायोड का वर्क करता है और ये एक रेगुलेटर का वर्क, रेगुलेटिंग का काम कर रहा है। यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है 5 वोल्ट को रेगुलेट करके आगे आईसी के लिए भेज रहा है। यहाँ आईसी है, दूसरा कोई भी डिवाइस हो सकता है जिसको फिक्स वोल्टेज का जरूरत पड़ता है, वहाँ पर जेनर डायोड को यूज करते हैं। नॉर्मली जो चार्जिंग सेक्शन में जेनर डायोड का यूज होता है, ऐसा बहुत सारा सेक्शन में यूज होता है, ट्रांजिस्टर का बेस पर भी जेनर डायोड का यूज होता है। तो इस तरह इसका यूज होता है। डायोड जो होता है कुछ वोल्ट को रिड्यूस भी करता है। जो डायोड है जर्मेनियम सिलिकन का बना होता है, जर्मेनियम का, सिलिकन का और बहुत सारा ये मटेरियल का बना होता है। तो कुछ डायोड होता है वो 0.3 वोल्ट करेंट को कम करता है, कोई डायोड 0.7 वोल्ट करेंट को रिड्यूस करता है। यह SMD में और नॉर्मल में दोनों में आता है। इसका जो वर्क होता है वो करंट को एक ही दिशा में पास करता है। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पे ये जो डायोड है, इसका एनोड है, इसका कैथोड है, अगर इसको इधर से अगर इसको सर्किट में जोड़ेंगे तो यहाँ से प्लस, यहाँ से इसका ये जो यहाँ से बैटरी का प्लस लाइन जोड़ेंगे और यहाँ माइनस लाइन जोड़ेंगे तो ये इसे एक करंट आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर इसको कनेक्शन करेंगे प्लस इस साइड करेंगे मतलब बैटरी का और इस साइड माइनस कनेक्ट करेंगे बैटरी का, तो इधर से उल्टा नहीं आ पाएगा। इसका जो ये जो करंट है ये रिवर्स में नहीं आएगा, मतलब एक ही दिशा में करंट आएगा, एक ही दिशा में पास होगा। मतलब अगर ये जो डायोड का लेग है ये माइनस लेग है तो इसमें बैटरी का माइनस कनेक्शन करेंगे, और ये प्लस लेग है इसमें बैटरी का प्लस लेग कनेक्ट करेंगे तो करंट पास होगा। अगर उल्टा कनेक्ट कर देंगे इस साइड, अगर कैथोड में मतलब कि ये जो डायोड के कैथोड में नेगेटिव में अगर बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट कनेक्ट करेंगे और तो ये और इसमें तो ये करंट को पास नहीं करेगा, मतलब करंट को एक ही दिशा में पास करता है और वो भी फॉरवर्ड बायस में काम वर्क करता है। इस तरह इसका जो सर्किट सिंबल होता है और ये सर्किट में यूज होता है। अब थोड़ा बोर्ड में देख लेते हैं, ऑन बोर्ड देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ यूज हुआ है और कैसे यूज हुआ है, चलिए जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जीना डायोड लगा हुआ है, ये आईसी के बाजू में लगा हुआ है। ये सभी जीना डायोड लगा हुआ है, ये सभी जीना डायोड है, ये आपको दिख रहा होगा, या थोड़ा नज़दीक से दिखलाता हूँ। ये देखिए ये सब जो है ये सब जीना डायोड है, ये रेड कलर का है, शीशा में है, ये सभी जीना डायोड है। यहाँ पे ये देखिए जीना डायोड है, बहुत सारा जीना डायोड है। यहाँ पे देखिए ये जीना डायोड है, इस सेक्शन में देखिए यहाँ पे बहुत चार जीना डायोड लगा हुआ है, यहाँ दो और यहाँ पे ये जीना डायोड लगा हुआ है। यहाँ पे जीना डायोड लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बहुत सारा लाइन में जीना डायोड लगा हुआ है।
ये देखिए ये सभी जीना डायोड लगा हुआ है। इस तरह सर्किट में जीना डायोड दिखता है, इस टाइप का। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं, ये सभी अलग अलग कंपोनेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इस कंपोनेंट को क्या बोला जाता है, ये कैपेसिटर है, किस प्रकार का कैपेसिटर, कितने प्रकार का होता है, मतलब ऑल कंपोनेंट जो है डायोड, कैपेसिटर, मॉस्फेट, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, सबके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए सुबह में आया था इस तरह। दोस्तों आई होप कि अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक